दोस्तों, फ्रांस के सोसाइटी का जनरल बैंक, जिसे दुनिया का सबसे सेफ बैंक माना जाता था, जिसका दरवाजा 20 टन लोहे से बना हुआ था, इसके दीवारों को भी लोहे से ही बनाया गया था और इसके अंदर था खजाना यानी करोड़ों रुपए। और कहा जाता था कि इस बैंक में चोरी होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक दिन एक इंसान ने पूरा बैंक खाली कर दिया। लेकिन ना तो बैंक के दरवाजों को खोला गया था, ना ही बैंक के दीवारों में कोई छेद किया गया था। तो आखिर ये चोरी हुआ कैसे, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 19 जुलाई 1976 सुबह के 9 बजे फ्रांस के नीस शहर में सोसाइटी जनरल बैंक रोज की तरह बैंक खोला। मैनेजर ने चाबी ली और सीधे बैंक के वॉल्ट की तरफ कैश निकालने के लिए गया। लेकिन वॉल्ट नहीं खुल रहा था, क्योंकि वॉल्ट का दरवाजा काफी भारी था, इसीलिए ऐसा अक्सर होते रहता था। तब मैनेजर ने बाकी लोगों से मदद मांगी, लेकिन इसके बाद भी वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुला। इसीलिए मैनेजर ने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को इसके बारे में बताया। कंपनी के लोगों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे भी दरवाजा नहीं खुला। बैंक के वॉल्ट में ना सिर्फ करोड़ों का कैश था, बल्कि उसमें 4000 लॉक बॉक्स भी थे। उस दिन जब दरवाजा नहीं खुला, तो उन लोगों ने दीवार में छेद करने के बारे में सोचा। हालांकि उस दीवार में छेद करना भी आसान नहीं था, इसीलिए उस दीवार में छेद बनाते बनाते काफी टाइम लग गया। अंत में जब मैनेजर और बाकी लोग अंदर गए और उन्होंने जो देखा, उसके बाद सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। पूरा वॉल्ट लूटा जा चुका था। अंदर जितने भी महंगे सामान और पैसे थे, उसे चोर ले भागा था। और वॉल्ट का दरवाजा इसीलिए नहीं खुल रहा था, क्योंकि उसे अंदर से बंद कर दिया गया था। चोर ने लगभग $20 मिलियन से भी ज्यादा की चोरी की, जिसका वैल्यू आज के समय में 900 करोड़ रुपए है। ये चोरी किसने की, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। हाँ, लेकिन चोर ने एक मैसेज जरूर छोड़ गया था, जो वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा हुआ था। मैसेज था, विदाउट आर्म्स विदाउट हैट एंड विदाउट वॉलेंस, यानी बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि बिना दरवाजा खोले, बिना दीवार में छेद किए बगैर चोर चोरी कैसे किया, इसका जवाब भी चोर छोड़ गया था। वॉल्ट के फर्श पर एक छेद बना हुआ था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि चोर ने अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड सुरंग बैंक तक बनाया था, जिसमें 27 गैस सिलेंडर, वेंटिलेशन के इक्विपमेंट और 1 किलोमीटर दूर तक लंबा इलेक्ट्रिक केबल, ये सारे उपकरण सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। और इसी रास्ते से चोर ने $20 मिलियन लूट के ले गया। ये ना सिर्फ फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी, बल्कि इसने सोसाइटी जनरल बैंक के सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि ये चोरी किसने की और इस चोरी का प्लानिंग कैसे किया गया। लगभग 3 महीने बाद पुलिस को एक सुराग हाथ लगा। एक लड़की की टिप पर पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया, जो बैंक लूटने वाले गैंग में शामिल था। थोड़ी देर के टॉर्चर के बाद उसने सारे मेंबर्स के नाम बता दिए, और यहीं से पुलिस को इस लूट के मास्टरमाइंड का पता चला, जिसका नाम था अल्बर्ट स्पाइजरी। पुलिस वाले इसको पहले से ही जानते थे, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस शहर का फेमस फोटोग्राफर था। पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया, तो उसने बिना किसी झिझक के ये एक्सेप्ट कर लिया कि बैंक रोबरी का मास्टरमाइंड वही है। अल्बर्ट ने बताया कि उसने पहले उस बैंक का लॉकर लिया था और बहाने से वहां जाकर सारी चीजों का पिक्चर खींच लिया। फिर उसने अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रख दिया, जिसका अलार्म रात के समय में सेट किया गया था। जब अलार्म बजने के बाद भी कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं हुआ और ना ही किसी तरह का कोई अलार्म बजा, तो अल्बर्ट कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। फिर वो इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां से शहर का नक्शा ले लिया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहां और कितना दूर तक बना है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने जब कैलकुलेशन किया, तो पाया कि अगर वो सीवरेज लाइन में 26 फीट का टनल बनाएगा, तो वो सीधे बैंक के अंदर तक जा सकता है। इस काम में बहुत मेहनत की जरूरत थी, इसीलिए अल्बर्ट ने शहर के कई गैंगस्टर को अपने गैंग में शामिल किया। गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया, क्योंकि ये काम हाथों से किया जा रहा था, इसलिए इस टनल को बनाने में 2 महीने का वक्त लग गया। तब जुलाई 1976 की रात को अल्बर्ट वॉल्ट के अंदर दाखिल हुआ। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े ही आराम से चोरी करता रहा और बाद में उसी टनल से फरार हो गया। पुलिस ने अल्बर्ट के इस बयान के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। अल्बर्ट ने वहाँ भी अपना जुल्म कबूल कर लिया। उसे इसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब अल्बर्ट से चोरी की गई खजाने के बारे में पूछा गया, तो वो इसके बारे में सिर्फ जज को ही बताना चाहता था।
कोर्ट में तब अल्बर्ट ने चोरी की गई रकम और सोना कहाँ रखा है इसकी डिटेल्स कोड वर्ड में लिखकर जज को दिया। जब जज उस कोड वर्ड को समझने की कोशिश कर रहा था तो अल्बर्ट मौका पाते ही खिड़की से छलांग लगाकर, वहाँ पहले से ही एक बाइक मौजूद थी, अल्बर्ट उसमें तुरंत बैठा और फरार हो गया। पुलिस के लाख कोशिशों के बाद भी उसे फिर से पकड़ा नहीं जा सका। उसका इंटरव्यू एक इटली के चैनल में ब्रॉडकास्ट हुआ। उसने बताया कि उसे 12 साल की उम्र से ही खजाना ढूंढने का शौक था और उसने ये शौक बैंक रोबरी से पूरा किया। फिर 8 जून 1989 में अल्बर्ट की मौत हो गई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर से दबा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।